उस मंच पे अब हम हमारे अगले सेशन का सीधा रुख करते हैं और आगाज तो हमारे ऑडियंस कर ही चुके कि देवों के देव महादेव आ गए हैं मगर आजकल ये महादेव जी नहीं द फ्री के तौर पे जाने जा रहे हैं यस देखिए तालियां बज गई फॉर द फ्री लांसर बिकॉज दैट इज हिज लेटेस्ट ओटीटी टी वर्क विच इज रूलिंग द रूस्ट डिजनी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है और अब द फ्री लांसर द कंक्लूजन आप देखेंगे सारे एपिसोड्स एट वंस तो पहले तो द कंक्लूजन कितना अलग रहने वाला है और द फ्रीलांसर ये जो किरदार है आपके लिए कितना स्पेशल रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट आल्सो मोहित थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी हियर आई गेस इट्स अ ग्रेट प्लेटफार्म वेल आई गेस फ्रीलांसर पहले चार एपिसोड जो थे वो उस कहानी को एस्टैब्लिश करने में uh, लग गए आई गेस दैट वॉज द टाइम विच वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग द द द स्टोरी एंड अभी लास्ट के तीन एपिसोड द कंक्लूजन जो फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर से आने वाले हैं आई गेस वो उस कहानी का कल्बिनेशन होगा कि किस तरीके से अविनाश कामत का किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो आलिया को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सीरिया से वापस अपने घर लाते हैं आई गेस इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी इट्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज एन एक्टर बिकॉज आपको एक डिजनी प्लस हॉटस्टार के साथ काम करने का मौका मिलता है एंड uh, नीरज सर के साथ नीरज पांडे सर जो इतने बड़े विजनरी हैं वी ऑल नो द बॉडी हैज़ डन सो उनके साथ काम करने का मौका जब मिलता है तो आई गेस इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी एक्टर ओ टी टी यू नो सीरीज में काम करने का अनुभव कैसे आपके लिए वो भी हॉट स्टार के सन रीच uh, बढ़ जाता है जब आप ओ टी टी पे आ जाते हैं बिकॉज यू नो दीज प्लेटफॉर्म आर स्ट्रीमिंग नॉट जस्ट इन दंट्री मगर विश्व भर में वेल आई गेस येस मेरा आई गेस जैसे आपने पहले कहा कि पहले मैंने एक टेलीविजन से शुरुआत की थी सो आई है क्लोज रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग विद स्टार नेटवर्क एंड देन इवेंचुअली वन द ओ टी टी रेवोल्यूशन हैपन देन आई स्टार्टड वर्किंग ग्रेजुअली स्लोली स्लोली टेकिंग माई बेबी स्टेप्स इन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सो आई गेस एक अभिनेता के लिए स्पेशली मेरे लिए जो टेलीविजन में काम करते हैं बिकॉज टेलीविजन में अराउंड द क्लॉक काम होता है यू नो इट्स ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम बिकॉज वी हैव टू डिलीवर इट क्विकली सो वहाँ पे uh, एक अलग तरीके का uh, काम करने का तरीका होता है ओ uh, टी में अलग तरीके का काम हो, होता है बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड द टाइम पीरियड इज लिमिटेड आपके पास कभी मौका होता है सात अपिसोड में अपनी कहानी को बताने का कभी आपके पास मौका होता है आठ अपिसोड में बताने का सो आई गेस थ्री फोर मंथ्स इन टू अ प्रोजेक्ट वेर यू डेडिकेट योर सेल्फ टूअर्ड्स दैट प्रोजेक्ट अ मंथ गोज इन प्री प्रोडक्शन मे बी यू नो मे बी टू मंथ्स एक्चुअली इन द प्री प्रोडक्शन एंड टू टू थ्री मंथ्स इन शूटिंग सो इन फोर मंथ्स यू आर डन योर कमिटमेंट इज थ्रू इन दैट प्रोजेक्ट सो आई गेस समवेयेर आपकी क्रिएटिव हंगर और क्रिएटिव नीड्स भी वहाँ सेटिस्फाई हो जाती हैं एंड यू आर डेडिकेटेड टू वर्ड्स अ प्रोजेक्ट फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन यू मूव ऑन सो आई गेस फॉर मी एंड स्पेशली फॉर एवरी वन आई गैस जैसे अभिषेक चौबे जी ने इससे पहले कहा कि एक रेवोल्यूशन है एक बिकॉज ही इज अ स्टोरी टेलर तो हर किसी के लिए अलग अलग मौका होता है सो so सेम uh, मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स अ डिफरेंट इट्स अ ड्रीम कम एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेर दिस ऑल दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा मगर इतने ट्विस्ट एंड टर्ंस होते हैं और कभी कभार आप वो हुक के संग छोड़ देते हैं कि बहुत बार ये पूछा जाता है आई थिंक सारे एक्टर्स से कि सीजन टू कब आ रहा है जैसे आपसे भी पूछा गया होगा कि अब आगे क्या द कंक्लूजन क्या रहेगा जी वेरी ट्रू आई गेस वो सवाल uh, सब पूछते हैं बिकॉज एवरीबडी बिकॉज द स्टोरी सो ग्रिपिंग एंड ऑडियंस उस चार एपिसोड को बहुत जल्दी यू नो दे वॉच इट सो दे वॉन्ट टू नो वट इज द आउटकम उसका एंड क्या होता है तो जब आप उन्हें हुक पर छोड़ देते हैं सो so डेफिनेटली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी बट आई गेस दैट्स द वे द गेम वर्क एंड दैट्स द वे हाउ थिंग्स फंक्शन सो इवेंचुअली दे विल कम टू नो दे वॉज अ गैप ऑफ थ्री मंथ विच वॉज टेकन आई गेस बिकॉज ऑफ वेरीस रीजन बिकॉज यू नो द क्रिकेट फीवर वॉज ऑन दॉज वर्ल्ड कप दे वॉज एशिया कप सो आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि जस्टिस इस कहानी का अभी होगा बिकॉज तीन एपिसोड जिनमें कल्बिनेशन होगा वो अब होगा सो आई गेस इट विल बी कम्प्लीटली फुल ऑफ एक्शन फुल ऑफ ड्रामा यू नोट इट्सिंग फैक्टर इज ऑल्सो देयर सो इट्स भी फुल ऑन एक्शन एंटरटेनमेंट इन द लास्ट थ्री एपिसोड्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्पाई जॉनर में आप काम कर रहे हैं तो आपका फेवरेट स्पाई कौन है इफ वी आस्क यू और आपका फेवरेट एक्शन हीरो भी कौन है क्योंकि एक्शन भी कर रहे हैं वेल आई गेस हम स्पेश मैं जेसन बॉर्न का बड़ा फैन रहा हूँ हमने वो बॉन्ड आइडेंटिटी बॉन्ड अल्टीमेटम वो सब वर्ल्ड हमने बहुत देखा हुआ है सो आई गेस उससे मैं काफ़ी प्रभावित होता था अपने यंगर डेज में एंड डाई हार्ड यू नो मेल गिब्सन के बड़े फैन रहे हैं हम सो आई गेस ऑल दोज एक्टर्स बट आई वुड से जेसन बॉन्न वॉज समथिंग दैट आई रियली रियली एंडमायर्ड एंड रियली लाइक मैं ये भी आपसे पूछूंगा अनुपम खेर जी के साथ जी काम करने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा बहुत अच्छा रहा यू uh, नो you know, एक uh, एक एक्टर के लिए जो 40 साल से रिलेवेंट हैं जो 40 साल से काम कर रहे हैं एक mm -hmm. सीनियर अदाकार हैं सो so, उनके साथ आप जब काम करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सो आई गेस यू जस्ट यू आर इन ऑफ एनी सीनियर पर्सन लाइक हिम एंड इट्स यू जस्ट लर्न फ्रॉम देम यू जस्ट ऑब्जर्व देम हाउ दे कंडक्ट दैम से हाउ दे अप्रोच अ सीन कैसे वो अपने सबऑर्डिनेट्स uh, को जूनियर्स को कलीग्स को ट्रीट करते हैं आई गेस ऑल दीज आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड आई गेस हैविंग सीन हिम वर्किंग इन सारांश ईयर्स बैक एंड नाउ क्लोजली वर्किंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम आई गेस इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी और वो भी इतफाक से उनका भी सफ़र यही रहा जम्मू कश्मीर से मुंबई जैसे आपका रहा जी जी वो भी कश्मीरी परिवार से बिलोंग करते हैं तो आई गेस uh, वो काफ़ी हम लोगों में सिमिलैरिटीज़ हैं मैं भी मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और उनकी परवरिश और अपरिंग भी वैसी है सो आई गेस या आई गेस दीज आर द टॉपिक्स जिन पे हम लोग कभी कभी बैठ के बात करते हैं कश्मीरी खाने के बारे में कश्मीरी परिवार के बारे में सो आई गेस दैट दैट्स लवली अब हम जानना चाहेंगे आ, हमारे दर्शक सीधा आपसे आज संवाद कर रहे हैं सुन रहे हैं आपको तो हम जानना चाहेंगे मोहित रायना की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी तो शुरुआत मोहित कैसे हुई आपका चाइल्ड कैसा रहा जम्मू में आपका जन्म हुआ था सफ़र कैसे तय किया आपने मुंबई तक वेल well, मैं बहुत ही जैसे मैंने बताया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ माई फादर वॉज अ डॉक्टर माई मदर वॉज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी एंड मैं भी वहाँ पे अपना कॉलेज और नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था जब स्लोली स्लोली आई गेस मेरे दोस्तों ने मेरे कजिन सिस्टर्स ने मुझे ये एहसास दिलाया कि आई गेस मुझे मुंबई जाके इस फील्ड की तरफ कुछ करना चाहिए एंड आई वॉज वेरी श्योर तो मैं उनसे कहता था नहीं नहीं वो तो तुम मेरे फैमिली वाले हो दोस्त हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आई डोंट थिंक वहाँ जाना संभव होगा सो आई गेस कहीं उन्होंने मुझे फोर्स किया एंड देन आई आई अप्लाइड बींग ए पार्टिसिपेंट इन ग्रेसिव मिस्टर इंडिया सो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया फिर मैं मुंबई आया फिर मैंने मॉडलिंग की काफ़ी दिनों तक uh, uh, मैंने रैम शोज़ किए सो so, आई गेस रैम शोज और हैंड मॉडलिंग जो होती थी इनिशियली वो करते करते मैंने मुंबई में सर्वाइव किया and then there was a point when i realized ki this is not something that i'm really liking i i, I realized that i wanted to emote i wanted to express myself jo main un modeling ke zariye nahi kar pa raha tha and then i started giving uh, auditions and screen tests aur uh, wahan se meri television soaps ki journey shuru hui thi मैंने television में काफ़ी सारी soaps की काफ़ी सारे अंतरिक्ष पहले जी हाँ मैंने भाभी किया था मैंने चेहरा किया था मैंने बंदनी किया था मैंने ऐसे काफ़ी सारे शोज किए शक्ति सामंता जो बड़े पुराने एक निर्देशक है उन्होंने भी मुझे अपनी एक फिल्म डॉन मुत्तु स्वामी में बहुत एक एक रोल दिया था सो आई गेस वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड इवेंचुअली जो लोगों का प्यार और लोगों की जो मेरी तरफ झुकाव है और लोगों ने मुझे जाना वो तब हुआ जब स्टार वन ने लाइफ ओके hmm. को तब्दील किया लाइफ ओके में एंड आई गेस उस समय अमित त्रिपाठी जी की बुक इमोटल जो मलुहा भी आई थी एंड दैट टाइम स्टार डिसाइडेड दैट दे वांटेड टू मेक अ सीरीज़ ऑन लॉर्ड शिवा सो आई गेस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी जहाँ लोगों ने अंडरस्टैंड uh, किया और मुझे इतना प्यार दिया एंड सिंस देन दिस है नो लुकिंग बैक गॉड हैज़ बिन काइंड ऑडियंस हैज़ बिन लवली दे हैव गि वी लॉट ऑफ लव आई है एक्सपेक्टेड कि इतना प्यार मिलेगा बिकॉज mm -hmm. जब आप छोटे से परिवार से आते हैं आप कभी थैंक <laughs> <स्तेंग, laughs> सोचते नहीं है कि आपको इतना प्यार मिलेगा सो आई गेस I'm honored, humbled, and I just get up every day thinking that I should just entertain them and give them happiness that they have given me. पहला पे कितने का था पहला पे मेरा एक्चुअली जम्मू में ही था मैं हुडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में एक छोटा सा जॉब करता था तो उसमें मुझे आई थिंक सात आठ छः सात हजार रुपए का पहला चेक मिला होगा सो आई थिंक वो बहुत पहले की बात है और और अब हम नहीं पूछना चाहेंगे कि अब कितने जीरोस मिलते हैं आपके आई गेस <laughs> वो तो भगवान का और ऑडियंस का प्यार है कि वो जीरोस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आगे हैं। भी बढ़ते जाएंगे एंड डिजनी प्लस हॉटस्टार और नीरज जी का आपस में उन लोगों का सपोर्ट है पहले का किया क्या आपने ओ आई थिंक वो तो सब वो तो आई थिंक घर वालों के साथ डिनर वगैरह मूवी किसी चीज़ में खर्च हो चुके होंगे इट्स बीन लॉन्ग बैक नाउ सो आई कैन वो सेव करने का कोई इरादा नहीं था उस समय भी जब मिले थे तो yeah. वो खर्च हो गए थे मगर कष्ट भी झेले जैसे मैं बताना चाहूंगा इट्स नॉट वेरी इजी एंड यू नो जैसे आपने कहा कि मॉडलिंग की आपने uh, फिर देखा कि क्या कहते हैं मॉडलिंग में इमोट नहीं कर पा रहे फिर जाके टीवी में शुरुआत ही और फिर इस मकाम तक पहुंचे हैं जहाँ ईज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रामिस एंड आई एम श्योर बहुत सारे फिल्म भी आपके तरफ आएंगे कुछ तो आ ही चुके हैं शिद्दत भी आपने अभी बहुत अच्छी एक फिल्म की थी uh, बचपन में भी uh, अगर हम बात करें तो कुछ कुछ कष्ट आपने देखे हैं जैसे एक कहानी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके खुद का स्कूल आपने देखा विच वॉज बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू वेल येस बिकॉज मेरी परवरिश और मेरी मेरा बचपन कश्मीर में गुजरा है उन दिनों कश्मीर में थोड़े से टर्बुलेंट टाइम्स काफ़ी थे सो आई गेस मैंने क्लोजली काफ़ी अपना स्कूल जलते हुए देखा एंड आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ दैट एटमोसफेयर वेयर थिंग्स थिंगसर नॉट ग्रेट सो आई गेस दैट वॉज डेस्टिन टू हैपन आई गेस लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दैट दोज ट्रबल टाइम्स वेरी क्लोजली आई गेस अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम सो या दो मेमरीज दैट आई गेस विल ऑलवेज बी देर अब जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिलता है वेल well, जम्मू तो मैं जाता हूँ बिकॉज दैट्स माई होम टाउन राइट नाउ सो आई हैव फैमिली देर आई हैव क्लोज वंस देर वहाँ मैं जाता रहता हूँ कश्मीर जाने का मौका उसके बाद नहीं मिला एक दो बार मिला होगा नॉट मच ओके अब अगर हम बात करें ओ टी टी के बारे में तो यू you नो know, बहुत सवाल थे uh, मोहित की क्या ओ और थिएटर्स को एग्जिस्ट करेंगे यू नो विल ओ टी टी किल थिएटर्स और विल रिटर्न ऑफ थिएटर्स किल ओ टी टी इस पर आपकी राय क्या है वेल well, मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि यू uh, नो you know,

मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा काफ़ी महीनों पहले मैं मुंबई में एक सिग्नल पे जा रहा था सिग्नल पे कार रुकी और एक बच्चा फूल बेच रहा था एंड ही जस्ट नॉक कि अरे आप मुझसे फूल ले लीजिए तो मैंने जब कांच नीचे किया तो उसने मुझे कहा सर आप मैं देखिए आपकी सीरीज अभी दे देख रहा था मैंने कहा नहीं तो ऐसे ही बोल रहे हो तुम कि मैं दो फूल ज्यादा लेना नहीं नहीं सर ये देखिए एंड ही शोड मी द फोन इसे देखिए मैंने पॉज करके रखी हुई मैं वहीं बैठ के देख रहा था एंड दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट हाउ दिस हाउ द वर्ल्ड विल को एग्जिट बिकॉज नाउ स्मार्टफोन रियली द रीच हैज इज अमेजिंग स्मार्टफोन्स हैव बिकम चीपर एंड द डेटा एंड सब्सक्रिप्शन एवरीथिंग इज चीप एंड एवरीबडी इज़ कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बच्चा जो, जो सिग्नल पर अपना ये इस तरीके का काम कर रहा है फूल बेच रहा है एट द सेम टाइम वो अपने टाइम में कहीं साइड में बैठ के जब सिग्नल ऑन है वो फोन पर कुछ देख सकता है सो आई थिंक इट क्लियरली शोज की दो बोथ द थिंग्स एंड को एक्जिस्ट यू नो एंड स्टोरी टेलर्स को एक्टर्स को एवरीबडी इज़ गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू यू नो फुलफिल दियर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन एंड ऑडियंस जो है वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है अगर आप ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देते हैं अच्छी कहानी देते हैं अच्छे तरीके से समझाते हैं और उन्हें परोसते हैं सो आई गेस एक्सेप्टेंस लेवल ऑडियंस का बहुत अच्छा है और मेरा पर्सनली मानना है अगर आपका इंटेंट करेक्ट है कोई भी कहानी कहने का इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम चाहे वो फिल्म हो शॉर्ट फिल्म हो टेलीविजन uh, हो या ओ हो अगर आपका इंटेंट कहानी बताने का बहुत ही क्लीन और क्रिस्टल क्लियर है अच्छा है सो आई थिंक ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल शो ऑन योर प्रोजेक्ट इस वजह से जैसे मैं कह रहा था कि ओ के ये जरिए लोग आपको द फ्री के रूप में जाने लग गए हैं और तालियों से ऑडियंस ने मेरी बात से एग्री की थी मगर अभी भी यू नो ये जो प्रेम है जो महादेव का प्रेम है ये अभी भी बना हुआ है जैसे शंख से आपका अभिनंदन हुआ आज आ, कल सुना है कहीं ना कहीं आपकी आरती हो रही आरती उतारी जा रही थी आ, लोग आ, महिलाएं आती हैं वो आपके अभी भी पैर छूती हैं तो इस सब से ये अनुभव कैसा है अब तक आपका वेल आई गेस आई फील वेरी लकी यू नो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसे पसंद नहीं होगा या ये इससे भागता होगा ऐसा मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है बट आई गेस आई आई सी इट इन अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव दैट हु गेट्स अ चांस टू बी लव सो मच यू नो एंड बहुत सालों पहले एक महिला थी जो Uh, मेरा मेरे पाँव छूने के लिए uh, आगे बढ़ी थी तो मैंने उन्हें रोक लिया था कि मैं कहा प्लीज़ आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं आप ऐसा मत कीजिए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का बिकॉज तुम प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पाँव पढ़ रही हूँ तुम एक मैसेंजर हो तुम उनका माध्यम हो मैं उनकी तरफ पाँव पढ़ रही हूँ सो दैट मेड मी रियलाइज दैट आई शुड आई एम नो वन टू स्टॉप देम और आई एम नो वन टू

पाँच छः साल से ओ पे काम कर रहा हूँ उससे पहले मैंने एक ये, आ, ये आ, सीरीज की थी जिसको तकरीबन महादेव को ख़त्म हुए बारह साल हो चुके हैं बट लोगों को जब मैं बताता हूँ वो रियलाइज ही नहीं करते अच्छा इतना टाइम हो गया आई लाइक like, हाँ बहुत टाइम हो गया बट आई गेस उसकी रिकॉल वैल्यू इतनी है और इतना प्यार है सो आई गेस आई होप दैट स्टेज देवर बिकॉज दैट विल कम्युनेट इन टू द लव दैट दे हैव शोन टू इन द फर्स्ट फोर एपिसोड्स बिल्कुल और मिथोलॉजिकल वर्क करना चाहेंगे आप फ्यूचर में भी Uh, काफ़ी सारे अब हम देख रहे हैं कि अब तो काफ़ी ट्रेंड भी बन गया है uh, यू you नो know, हम सुन रहे हैं कि शायद महाभारत को लेके लेकर रामायण को लेके एक बड़ी फिल्म भी आने वाली है सीरीज भी बनेगी तो माइथोलॉजिकल वर्क और करना चाहेंगे वेल एब्सोल्युटली आई थिंक वी एज इंडियंस वी वी फर्मली आर ओपन टू द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग आर ओन कल्चर एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज सो आई गेस जब किसी मेकर को लगेगा कि मैं उनके किरदार को जस्टिस दे सकता हूँ और वो मुझे अप्रोच करेंगे आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपको एक बहुत अलग तरीके का किरदार निभाने का मौका मिलता है एंड इट्स नॉट एवरी डे

तो शुरुआत पहले मैंने त्रिशूल पकड़ा फिर मैंने तलवार पकड़ी फिर उसके बाद मैंने थ्री नॉट थ्री पकड़ी उसके बाद फिर मैंने गन पकड़ी और ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ते हुए आके यू you नो know, अभी एम्यूनेशन और आर्म्स की तरफ बढ़ रहा हूँ तो अब मैं नेक्स्ट मेरा 2024 में है कि मैं कहीं फूल पकड़ूँ एंड आई डू अ रोमांटिक थिंग आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन द यूनिवर्स तो प्रोड्यूसर्स अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब उनको बहुत हो गया जेसन बॉर्न और डाई हार्ट अब uh,

अब uh, अगर हम बात करें मोहित अबाउट यू नो दी 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 काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस एज वेल जो हमने इस साल देखा है तो क्या एक्सप्लेन करता है कि कुछ कहानियाँ जो हैं बिग स्टार्स की वर्क कर जाती हैं कुछ कहानियाँ जो हैं बिग स्टार्स की नहीं वर्क करती तो रूल्स ऑफ बॉक्स ऑफिस क्या आपको लगता है बदल गए हैं क्या कंटेंट अब किंग बन गया है क्या आपको लगता है कोविड के बाद दर्शक जो हैं वो और डिसर्निंग हैं क्योंकि आप फिल्मों भी कर चुके हैं ओ भी कर चुके हैं टी भी कर चुके हैं तो क्या दर्शक जो है वो बदला है या फिर वही है और यू कैन एक्सप्लेन दिस आई थिंक वी नो बडी कैन एक्सप्लेन दिस बिकॉज ये कहानी तो ये तो 50-100 साल से चलती हुई आ रही है कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया यू नो आई थिंक वो जब गदर आई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि गदर इस तरीके का बिजनेस uh, करेगी और इट विल बी लव्ड सो मच बट दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स द रिकॉल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट And recall value of the story that people had seen long back. So, I guess uh, uh, the audience is the ultimate king. आप कभी project नहीं कर सकते कि predict नहीं कर सकते कि audience को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. As I said earlier, the intent really matters, and you can never predict what audience would want to, you know, see. मगर TV को लेकर कई लोग शिकायत करते हैं कि TV जो है वो बदल नहीं पाया है. अब भी कहीं ना कहीं कहानियाँ जो हैं वो थोड़ी सी रिग्रेसिव हैं थोड़ा बहुत यू you नो know, जो ये क्लिशेट सास बहु यू नो सीरियल जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं बदल नहीं पाए हैं तो यू बिलीव टी वी नीड्स टू एवॉल्व नीड्स टू चेंज अ बिट लुकिंग बैक सी देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ लिटिल हार्श इट माइट साउंड बट टी वी ने बदलने की बहुत कोशिश भी की है मैं ये नहीं कहूँगा टीवी ने बदलने की कोशिश नहीं की है टी ने बदलने की कोशिश काफ़ी की है बट उसे उतनी एक्सेप्टेंस uh, नहीं मिली है आई uh, थिंक कहीं ना कहीं वो uh, जो टी वी की ऑडियंस है या जो उन्हें दिया जा रहा है जो उनकी एक्सेप्टेंस जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी अलग है बिकॉज आप मैं टी वी ऑडियंस जो है आई थिंक इट्स नॉट लिमिटेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इट्स लिमिटेड टू बीट आयर सिटीज सी आयर सिटीज़ वहाँ पे उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड आई थिंक वहाँ पे जिस तरीके की कहानियाँ को एक्सेप्टेंस मिल रही है या उनकी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी अलग है बिकॉज मैं टीवी से बिलोंग करता हूँ मैं खुद जानता हूँ कि टीवी में हमने बहुत बार कोशिश की है सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे कि हम कुछ अलग तरीके की कहानी अलग तरीके से कही जाए बट वो वैसे होती नहीं है एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू टी वी आपने और हम सब ने ऐसा भी देखा हुआ है कि, कि किसी भी एक दिन एक फिल्म रिलीज़ होती है दो फिल्में रिलीज़ होती हैं और एक अच्छी होती है और एक अच्छी नहीं होती है बट कभी कभी ना अच्छी फिल्मों की तरफ लोगों का रुकाव ज्यादा हो जाता है और अच्छी फिल्म लोग नहीं देखते सो आई गेस इट अल्टीमेटली ऑडियंस इज़ द मेकर सो अगर ऑडियंस चाहती है अच्छा कंटेंट देखना सो so उन्हें बुरे कंटेंट को नकारना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू शो द रिजल्ट टू द मेकर्स बिकॉज मेकर्स वॉन्ट टू सर्विस द ऑडियंस सो ऑडियंस इज द अल्टीमेट किंग आई आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया और न्यूज़ के लिए भी ये साब ये साबित होता है क्योंकि कई लोग न्यूज़ चैनल से भी यही शिकायत करते हैं जो मैं आपको बता रहा था वो जैसे ये आपने कहा ऑडियंस इज किंग आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे काफ़ी प्रेरणा लेते हैं तो आप ये बताइए यू नो हाउ यू हैव डेल्ट विद चैलेंजेस एज वेल एंड नेविगेटेड दोज इन योर लाइफ जैसे यू you नो know, एक और आपके संग एक घटना बीती थी आप बता रहे थे लाइफ ओके okay, चेंज योर यू नो योर करियर प्राप्त विद देवो के देव महादेव मगर ये सही है शायद कि जिस दिन आपको वो रोल ऑफर हुआ जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया उसी दिन शायद आपकी पर्सनल लाइफ में एक ट्रेजिडी हुई यस आई गेस वो दैट वाज आई गेस दैट वाज डस्टिन टू हैपन दैट वाज इट आई लॉज माई फादर दैट डे सो आई गेस कहीं मुझे हमेशा ये लगता था शायद वो मेरे फादर का गिफ्ट था Uh, कहीं द दे आई लॉस्ट हिम एंड दैट डे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले दैट कैरेक्टर एंड बिकॉज मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ मेरे फादर जो हैं वो uh, वो शिवा फॉलोवर हैं अमरनाथ की वजह से यू नो सो आई यूज टू गो टू टेम्पल्स ऑल्सो विद हिम उन्होंने शुरू से छोटे जब मैं छोटा था तो मेरे हाथ में बेलपत्र पकड़ा कर वो मुझे मंदिर ले जाते थे सो आई गेस कहीं मुझे सबकॉन्शियसली लगता था शायद वो मेरे पिताजी का गिफ्ट है बट आई गेस आई हैव टेकन इट पॉजिटिवली एंड आई हैव डन

क्या होता है यस थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच मोहित रेना फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फॉर आवर कॉन्क्लेव शंख बजाकर स्वागत किया था किसी ने जब आए थे शायद आप ही थे जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं सर क्योंकि मोहित रेना ने yes. कहा कि उन्हें बहुत पसंद है इस तरह का गेस्टर